हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। ठीक है दोस्तों, आइए। ये मैं बना रही हूँ रमास, तो मैंने आप लोगों के थाली लगा ली है। आइए आप लोग खा लीजिए रमास, जो हमारे यहाँ रमास बोला जाता है। दोस्तों मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोला जाता है। ये देसी वाला रमास है, ये छोटा वाला राजमा, छोटा सा बिल्कुल होता है, जरा सा बहुत छोटा छोटा है। देसी वाला जो होता है उस तरह का है। आप अभी वीडियो में देखिएगा आगे, तो आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये बॉयल किया हुआ है, मतलब फ्राई किया हुआ है, इसलिए आपको नहीं पता चल रहा है। आगे देखिएगा दोस्तों, ये देखिए मैंने रमास की चाट बनाई है। पूड़ी के साथ इंजॉय कीजिए, पराठे के साथ इंजॉय कीजिए, या खीरे के साथ, या नमकीन का सेव जो होता है बेसन वाला, आलू की भुजिया, किसी के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। आइए तो चलिए, ये देखिए मैंने आपको बोला ना दोस्तों, ये छोटा छोटा जो देसी वाला होता है रमास जो बोलते हैं, जिसको आप लोगों के दोस्तों क्या बोला जाता है प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं भी जानूंगी। इसका और कोई भी नाम भी हो सकता है, मुझे जहाँ तक पता है वहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। इधर मैंने ले लिया है कुकर, आधा चम्मच ले लिया है नमक, स्वाद अनुसार लेना है। नमक हम बाद में भी यूज़ करेंगे, इसलिए थोड़ा सा हिसाब से डालें। हल्दी डालेंगे आधा चम्मच, और कुकर में एक से दो सीटी आने तक इसको बिसलाने तक इसको बॉयल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे इसको, 80% ही बॉयल करना है। ठीक है, और इसका पानी जो होगा वो हम निकालेंगे नहीं दोस्तों, इसी पानी में ही हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ ले लिया है फ्राई पैन, तो फ्राई पैन में हमने लिया है सरसों का तेल, हींग, जीरा, इधर अदरक मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर दिया है। ठीक है, और आप लहसुन भी डाल सकते हैं अगर आपका आपको अच्छा लगता हो, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो मैंने इधर अदरक को ग्रेट करके डाला है दोस्तों। हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी दो मिर्च लाल डाल दी है कैंची से कट करके। आप लाल नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं दोस्तों। आप जैसा तीखा पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इधर मैंने लंबा लंबा चॉप किया था प्याज, जूलियट में लंबे लंबे जो जूलियट होते हैं, उस तरह से बहुत छोटा नहीं करना है दोस्तों, जब इसके चंक्स मुँह में आएंगे, और बहुत ज़्यादा फ्राई करना भी नहीं है, हल्का सा ट्रांसलूशन हो जाए प्याज। इधर जो रेगुलर मसाले होते हैं वो हमको डाल देने हैं दोस्तों, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक मसाला, जो भी आप स्वाद अनुसार खाना चाहें, पसंद करना चाहें, वो आप डाल सकते हैं। सो इसको मिला दीजिए, अच्छे से भून लेंगे, और मसाले जले ना दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा एक से दो चम्मच पानी थोड़ा लगाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा फ्राई होने दें। इधर मैंने क्या डाला है, आमचूर मसाला डाला है दोस्तों। इन सबको मिलाने के बाद तब हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे दोस्तों। सो अब ध्यान रखें मसाले हमारे जले ना, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर रखी थी, इससे मसाले हमारे बिल्कुल भी जलेंगे नहीं। और ये देखिए थोड़ा सा पानी लगाएंगे, एक से दो चम्मच तक, ज़्यादा नहीं। मसाले थोड़े से अच्छे से तेल में भुन जाएंगे और जलेंगे भी नहीं दोस्तों। इधर हमने क्या किया है, थोड़ा सा मिक्स मसाला डाला है और भुना हुआ जीरा डाला है। आप डालना चाहें डाल सकते हैं दोस्तों, नहीं डालना चाहे स्किप भी कर सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी आगे बढ़ा घटा सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, ये मैंने रमास डाल दिए हैं दोस्तों, ये देखिए अच्छे से हो गए हैं। उसी पानी में मतलब हमें करना है, हमको पानी निकालना नहीं है। ठीक है, ये हमने डाल दिया है इमली और गुड़ का जो चटनी जो होती है हल्की सी, तो ये मेरी मार्केट वाले पैकेट था जो आता है पाउच। ठीक है, आप घर की बनी हुई भी डाल सकती हैं, मेरे पास थी नहीं, ख़त्म हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा दो चम्मच के करीब डाल दिया है, टेस्ट के लिए डाला है। आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल, ज़रूरी नहीं है। इधर मैंने नींबू निचोड़ दिया है, आप इस स्टेज पर धनिया से भी गार्निश कर सकते हैं दोस्तों। आइए, मैंने आप लोगों के लिए लगा लिया है दोस्तों, आइए ये देखिए। इस तरह से आप यहाँ नमकीन, बेसन का सेव, आलू की भुजिया, कुछ भी आप इस यहाँ यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल पे अगर नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।